जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, एक बार पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ जय श्री राम बोलिए। आज का जो उपाय है बहुत ही सटीक उपाय है, इसीलिए यह उपाय मैं आपको बहुत ही आराम से बता रही हूँ, ताकि इस उपाय का आपको 1000% रिजल्ट प्राप्त हो। जब भी आप अपनी किसी परेशानी को लेकर किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, वह आपसे सिर्फ पत्रा दिखाने का पैसा लेगा। उस पत्रे को दिखाने के वह आपसे 100 रुपए, 500 रुपए, 1100 रुपए, जो भी उसकी फीस होगी उसके अनुसार वह लेगा। लेकिन आपको उसका कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कोई सटीक उपाय उसमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज का जो उपाय है, जो आपको मैं आज यह उपाय बता रही हूँ, यह उपाय गुरुजी ने अपने एक भक्त को पर्चा बनाकर बताया है, और वही उपाय मैं आप सभी के साथ आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इस उपाय को देखने का, इस उपाय को करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बस आपको अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सन्यासी बाबा पर और बागेश्वर धाम पर विश्वास करके यह उपाय करना है। हमारे तो चैनल का मकसद ही है कि सनातन धर्म को आगे लेकर जाना और सनातन धर्म के जो सटीक उपाय हैं, उन उपायों को आप सभी तक पहुंचाना। जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, वे किराए के मकान में रहते हैं, और उनका काफी दिनों से एक सपना है कि वह अपनी प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि वह अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे लोग इस उपाय को जरूर देखें। भगवान कुबेर के धन की प्राप्ति आपको इस उपाय से हो जाएगी। आप इस उपाय को करके देखें, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, यह उपाय मैंने खुद करके देखा है और मुझे इस उपाय से 1000% रिजल्ट मिला है, और इस उपाय के ही कारण मैं आज अपने खुद के घर में बैठी हुई हूँ। मैं किसी किराए के घर में नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ। आपको भी आपका घर मिलेगा यदि आप इस उपाय को सच मानोगे, इस उपाय को करोगे। लेकिन आपको करना इतना ही होगा कि आपको पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय करना होगा। परंतु इसके विपरीत यदि आप ऐसा सोचेंगे कि ये कोई फालतू का उपाय है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें केवल और केवल आप ही का नुकसान है। अब मर्जी आपकी है कि आपको अपना नुकसान करना है या फिर अपना फायदा करना है। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार इस उपाय को करके जरूर देखना, आपको 1000% इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जिन लोगों ने भी इस उपाय को किया है, वे सभी आज अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं। अभी 2 महीने पहले की ही बात है कि एक व्यक्ति ने यह उपाय किया था और उसने अपने पड़ोस वाले ही प्लॉट को खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि उस व्यक्ति ने यह उपाय किया और कुछ ही दिनों पश्चात उसने अपने साथ में ही पड़े हुए खाली प्लॉट को खरीद लिया। गुरुजी की कथा में आकर उसने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। पिछले 3 साल से वह कुछ प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट खरीदना चाह रहा था। घर का वो बड़ा बेटा था, परिवार में वो 3 भाई हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में कमाई नहीं होती थी, कमाई तो होती थी, लेकिन पैसा टिकता नहीं था। अचानक ही कोई ना कोई परेशानी ऐसी आ जाती थी, सारा पैसा उसी में खर्च हो जाता था। कोई ना कोई ऐसी विपदा आन पड़ती थी कि सारा का सारा पैसा उसी में खर्च हो जाता था। तो उसने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बताए गए इस उपाय को किया, और इसका जो परिणाम है, जो चमत्कारी परिणाम है, मैं आपको साक्षात तो दिखा नहीं सकती, लेकिन आप इस उपाय को खुद करके देखिएगा। आपका इस उपाय को करने में कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी महाराज और जय बालाजी धाम जरूर बोलिएगा। अब इस उपाय को करने के लिए आपको किस किस सामान की आवश्यकता होगी, यह सामान जान लेते हैं। सबसे पहले आप मार्केट से यह सामान खरीद कर लाएं और उसके बाद यह उपाय आरंभ करें। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपके घर के आसपास चींटियां कहाँ से निकलती है। जिस जगह से चींटियां निकलती हैं या फिर चींटे निकलते हैं, उसे कीड़ी नगर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उसे कीड़ी नगर कहा जाता है। उसके पश्चात आप यह देखिए कि आपके घर के आसपास सबसे नजदीक में पीपल का पेड़ कहाँ पर है। जो भी पीपल का पेड़ आपके घर के सबसे नजदीक में है, उस पीपल के पेड़ पर जाकर आपको यह उपाय करना है। आपको किराने की दुकान पे जाकर सतनजा के बारे में पूछना है। सतनजा चींटियों का भोजन होता है,
आप वहां पर जाकर उसके बारे में पूछिए, आपको यह मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप रोज सुबह थोड़ा सा सतनजा लें और कीड़ी नगर में जाकर डाल दें। जी हाँ दोस्तों, आपको हर रोज यह उपाय करना है और साथ ही साथ आपको पीपल के पेड़ के चारों तरफ जो एक छोटी सी डोली बनी होती है उस डोली के पास भी सतनजा रखना है। आप यह उपाय आरंभ कीजिए, आपके काम तुरंत ही बनने लग जाएंगे। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं। आप नारियल का एक गोट ले लें। नारियल का गोट आप समझ पा रहे हैं, नारियल के अंदर के भाग को नारियल का गोट कहा जाता है और उसके बीच में यानी आपको एक नारियल लेना है, उसके दो भाग करने हैं और उसके बीच में आपको सतनजा को डाल देना है और फिर उसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का भी डाल दें और जहां कहीं भी आपके घर के आसपास कीड़ी नगर है, कीड़ी नगरा सुबह के समय ही ज्यादा निकलता है, तो जहां भी कीड़ी नगरा आपके घर के आसपास है, कीड़ी नगरा से आधे फुट की दूरी पर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसमें आपको ये नारियल का गोट रख देना है। नारियल के गोट के अंदर आपने सतनजा और जो 1 रुपए का सिक्का रखा था उस नारियल को आप मिट्टी में दबा दें। कीड़ी नगरा सुबह के समय ज्यादा निकलता है, इसलिए उनके निकलने से पहले आप यह उपाय कर लें। जहां पर भी आप यह नारियल का गोट दबाएंगे वहीं से ही कीड़ी नगरा निकलना आरंभ हो जाएगा और जैसे जैसे वो इसको खाते जाएंगे आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। यह बहुत ही साधारण सा और चमत्कारी उपाय है। यदि आप गुरुजी की कथा ध्यान से सुनेंगे तब आपको यह उपाय वहां पर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ी कथा सुननी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक बात और जान लीजिए कि शनिदेव महाराज जिस पर भी अप्रसन्न होते हैं, यानी जिस पर भी शनि की साढ़े साती चलती है या शनि की ढैया चलती है, जिस व्यक्ति का काम शनि दशा के कारण नहीं बन पाता है, यानी कि यदि शनि दोष से प्रभावित व्यक्ति कुछ भी काम करने के लिए जाता है तो उसका कोई भी काम नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई अड़चन उसके रास्ते में आ ही जाती है, कोई ना कोई मानसिक और शारीरिक परेशानी हमेशा उसके साथ बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है आप ध्यान से सुनिएगा। आप काले तिल लें और लोहे की कील या सिक्का लें और फिर उसे तेल के साथ हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर चढ़ाएं। ऐसा आपको कितने दिन तक करना है आप ध्यान से सुने। ऐसा आपको 21 शनिवार तक करना है। आप हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाएं, काले तिल, एक कील या सिक्का और तेल शनिदेव महाराज पर चढ़ाएं। जैसे ही आपके 2.25 महीने कंप्लीट होंगे उसके बाद जैसे ही अगला सोमवार आएगा तब आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। बस उस सोमवार से आपके घर में बरकत ही बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपका रुका हुआ सारा काम होने लग जाएगा, आपका अपना खुद का घर भी बन जाएगा, तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यह उपाय मैं आपको बिल्कुल ही सटीक तरीके से बता रही हूँ और मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि आप इस उपाय को जरूर से जरूर करें। यदि आप एक बार इस उपाय को करके देखेंगे तो आपको 2.25 महीने के अंदर तुरंत ही इस उपाय का रिजल्ट मिल जाएगा। किराए के घर का झंझट आपसे छूट जाएगा और आप अपने खुद के घर में आ जाएंगे, आपकी खुद की छत होगी। आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा और इस उपाय को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी का जो एक सपना होता है अपना घर, वह सबका साकार हो सके। सबका चाहे छोटा ही सही लेकिन अपना घर हो सके, और यदि आपका छोटा घर है तो आपका बड़ा घर बन जाएगा। बस आप इस उपाय को करके जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं कुछ अन्य इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।